हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस की समस्या के बारे में, यानी कि गठिया रोग, जिसे कि संधि शोथ भी कहा जाता है। दोस्तों, गठिया रोग जो होता है वह जोड़ों में दर्द के कारण होता है, और जो आपके जोड़ होते हैं उसमें एक लिक्विड होता है, और जब वो लिक्विड सूख जाता है तो जो आपके हाथ पैर होते हैं वे आसानी से नहीं मुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट रहते हैं उनमें काफ़ी पेन होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही आसान और कारगर उपाय लेकर आई हूँ, जो कि आपके गठिया रोग में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप एक भाग शहद, दो भाग हल्का गर्म पानी और एक छोटी चाय चम्मच दालचीनी पाउडर को मिला लें, और जिस जोड़ों पर दर्द हो रहा हो आप वहां पर इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करें। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपका जो दर्द है वह ठीक हो जाएगा। यह जो सारी चीज़ें हैं वह जोड़ों के लिए ही हैं, और जिसे भी इस तरह का दर्द हो रहा है, जो आपको ये मैंने तरीका बताया है उसे अपनी आवश्यकता अनुसार इतने ही अनुपात में मिलाकर जितनी जगह पर मालिश करनी है आप उसे बनाकर तैयार कर लें, और रोज़ आप इसे ताज़ा बनाकर काम में उपयोग करें। दोस्तों, मालिश से आपकी जो त्वचा है वह चिपचिपी हो जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, अतः रुई लगाकर आप पट्टी बांध लें, या फिर एक कप हल्का गर्म पानी कर लें और उसमें दो बगल चम्मच शहद और छोटी चाय चम्मच दालचीनी का पाउडर जो है वह मिलाकर रोज़ सुबह शाम पिएं। इससे भी जो पुराना गठिये का रोग है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।